गुड मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास सिक्स, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे बचपन। बचपन में लेखिका अपने समय और हमारे समय के अंतर को बताती हैं और बचपन में अपने उनके साथ कैसा बचपन बीता था उसके और उनका बचपन कैसा था उसके बारे में हमें जानकारी दे रही हैं। तो हम पेज नंबर 8 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 8 में थर्ड पैराग्राफ तक हम पढ़ चुके हैं और आज हम फोर्थ पैराग्राफ पढ़ेंगे। इसे ध्यान से देखिए। फर्स्ट लाइन देखिए, सर्वर स्कैनलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने जो है सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ऐसा था वहाँ का माहौल। कैसा था? सर्वर स्कैनलैंड पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी। स्कैनलैंड पॉइंट के सामने एक दुकान हुआ करती थी जिसमें शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। और उसकी पटरियां उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन था और सामने सिग्नल देता खंभा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगे थी। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी थी, तेज चलती थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती, बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ निकलते थे। उस समय, आज के समय में तो हवाई जहाज़ कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जब हवाई जहाज़ कभी कभी देखने को मिलते थे तो लोग घर से बाहर निकल करके उसे देखने लगते थे। बच्चे उसे देखने के लिए घर से बाहर निकलते और उसे देखा करते थे। दिखता एक बार तो देख कर कैसा लगा करता था, हमें लगा करता था कि जैसे भारी भरकम पक्षी उड़ रहा हो। ऐसे लगता था जैसे आकाश में पंख फैला कर कोई भारी भरकम पक्षी उड़ रहा हो। अंडरलाइन कर लीजिए। मतलब लेखिका क्या क्या बता रही हैं कि उनके समय में जो हवाई जहाज़ जो आकाश में उड़ा करता था वो कैसा लगा करता था, ऐसा लगता था जैसे कि कोई भारी भरकम पक्षी जो है पंख फैलाकर उड़ रहा हो। यह देखो और थोड़ी देर में वह गायब हो जाता था। उसकी स्पीड बहुत तेज़ रहती थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। लेखिका कहती है कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। यह ऐसी दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। अब लेखिका अपने चश्मा के बारे में बताती हैं कि पहला चश्मा उनका कहाँ बना था। गाड़ी के मॉडल वाली जो एक दुकान थी उसके बगल में एक और दुकान थी क्योंकि वहीं से मेरा पहला चश्मा बना था और वहाँ के डॉक्टर जो थे वो अंग्रेज थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगता था। लेखिका कहती हैं, शुरू में मुझे चश्मा लगाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते रहते थे। चश्मा जब मैं लगाती थी तो जो भी छोटे बड़े लोग थे वो मेरी ओर देखते रहते थे, कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। कुछ लोग जो मुझे देखते वो कहते कि इनकी आँखों में ज़रूर कुछ तकलीफ़ है, इस उम्र में ऐनक दूध पिया करो। जो देखता बड़े मुझे शिक्षा दे के चले, मतलब ऐसा कहकर चले जाते थे कि इस उम्र में ऐनक, बचपन में ही इसके चश्मा लग गया, तुम दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। अब लेखिका क्या बता रही कि मैं डॉक्टर साहब ने मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि तुम कुछ देर तक अगर इस चश्मे को पहनोगी तो तुम्हारा जो चश्मा है वो उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था कि चश्मा कुछ देर पहनोगी तो उतर जाएगा लेकिन चश्मा मेरा अब तक नहीं उतरा और नंबर बस कम ही होता रहा, नंबर जो है कम होता जा रहा है होता गया। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ, लेखिका कहती है, मैं इसकी जिम्मेवार स्वयं हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। लेखिका कहती है, मैं इस चीज़ की ज़्यादा जिम्मेदार हूँ। मैं दिन की रोशनी में काम नहीं करती थी, रात में टेबल लैंप के सामने काम किया करती थी, तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो
देखो देखो कैसी लग रही है। मेरे चचेरे भाई ने जब मैंने पहली बार चश्मा लगाया, अंडरलाइन कर लीजिए किस तरह उनके चचेरे भाई ने उन्हें चिढ़ाया, वो बता रही हैं कि मेरे चचेरे भाई ने जब चश्मा लगाई तो उन्होंने मुझे छेड़ते हुए कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस तरह उनके चचेरे, अंडरलाइन कर लीजिए किस तरह उनको चिढ़ाया, छेड़ते हुए उन्हें कहा कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। और इस तरह जो है मुझे उन्होंने खूब चिढ़ाया कि मैं बंदर की तरह लग रही हूँ, लंगूर मतलब बंदर, मैं बंदर की तरह लग रही हूँ। और मैं खीजी, मैं गुस्सा हुई और मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। उन्होंने मुझे लगा कि ये मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, पर जो उन्होंने ये शेर कहा मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पी कर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, और कई बार अपने को देखा, मैंने अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी फिर उतारी, देखती रही देखती रही, सूरत बनी लंगूर की, नहीं 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 हाँ हाँ हाँ। और मैंने मन में ऐसे सोचा नहीं नहीं मैं लंगूर की तरह नहीं लगती, फिर सोचा हाँ हाँ लगती हूँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठा कर सिर पर रखा, कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी, और मैं चश्मा तो लगाई ही थी, अपने छोटे भाई का टोपा भी सिर पर रख लिया तो अब तो और अजीब भी लग रहा था और मज़ा भी मजाकिया भी लग रहा था। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये तो बचपन की बात थी जब मैं चश्मा मैंने पहली बार लगाया, तब उस समय ऐसा लगता था, लेकिन अब तो ये चश्मा जो है मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, लेकिन बचपन से ये चश्मा लगा हुआ है, लेकिन अगर मैं इस चश्मे को उतार देती हूँ तो मेरा चेहरा जो है खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा, मुझे लेखिका कहती है मुझे वह टोपा याद आ गया, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, मुझे वो सारी चीज़ें याद आ गई। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब मैं शिमला में हूँ, मैं जो जब जाती हूँ या रहती हूँ, मतलब शिमला में मैं टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, मैंने टोपियाँ जो है कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। लेखिका कहती है वहाँ दुपट्टों का ओढ़ना, अब मैं दुपट्टा ओढ़ना पसंद करती हूँ, और कहाँ सहज सहल सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ और हिमाचली टोपियाँ लगाना मुझे पसंद है। तो देखिए लेखिका अब हमें क्या बतलाती हैं, लेखिका हमें बता रही हैं कि मेरे यहाँ सर्वर स्कैन पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी, जिस शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ करता था, उसकी पटरियाँ उस पर छोटे बड़े डिब्बों वाली ट्रेन हुआ करती थी, और एक और लाल टीन का छत वाला स्टेशन, और सामने सिग्नल देता खंभा, और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ये सब आसपास के समय माहौल का वर्णन कर रही हैं वहाँ की, उनके जहाँ वो रह रही थी उनके आसपास कैसा वातावरण था। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली यही गाड़ी थी, और कभी कभी हवाई जहाज़ भी उड़ते आसमान में दिखाई देते थे, वो कैसे लगते थे, भारी भरकम पक्षी के समान लगते थे, ऐसा लगता था जैसे कि आसमान में कोई भारी भरकम पक्षी पंख फैलाकर उड़ रहा हो, और उसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जो है वो बाहर आ जाया करती थी, और वह स्पीड चलती थी और थोड़ी ही देर में वह गायब हो जाता था, मतलब वो क्योंकि उसकी स्पीड जो है वो तेज थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती, क्योंकि वह दुकान से ही मेरा पहला चश्मा खरीदा गया था, और वहाँ के डॉक्टर अंग्रेज थे जिन्होंने कहा था कि तुम इसे लगाओगी तो तुम्हारा चश्मा जो है उतर जाएगा, लेकिन लेखिका कहती हैं कि मेरा चश्मा तो अभी तक नहीं उतरा, और उनका आश्वासन उन्होंने दिया था लेकिन मेरा चश्मा अभी भी नहीं उतरा, लेकिन इसकी मैं स्वयं जिम्मेदार हूँ, क्योंकि मैं दिन की रोशनी में काम छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करती थी, और इसके अगर मैं रात में टेबल लैंप में काम करने से तो यही होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे चचेरे भाई ने मुझे छेड़ते हुए कहा, देखो ये कैसी लग रही है, उन्होंने छेड़ते हुए क्या कहा, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, चश्मा आँख पर इसलिए लगाया है कि जिससे कि दूर की दिमाग में सूझे, और यह नहीं लड़की को मालूम, इस लड़की को यह नहीं मालूम कि लंगूर जो है लंगूर की तरह जो है सूरत लग रही है, सूरत लंगूर की तरह लग रही है। मैं खीजी कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, मैं जो है खींच रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, मुझे ऐसा क्यों कहा जा रहा है, लेकिन शेर मुझे बुरा नहीं लगा। जब वह चाय पीकर
वगैरह चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी फिर पहनी और फिर उतारी, देखती रही मैंने देखा कि सूरत बनी लंगूर की, क्या मेरी सूरत जो है लंगूर की तरह लग रही है। तो पहले मन ने कहा नहीं, फिर मन ने कहा नहीं हाँ। और जब मैं चश्मा अपने लगा ली तो वहीं पर छोटे भाई का टोपा रखा हुआ था जिसे मैंने अपने सिर पर लगा लिया। वह कुछ अजीब लगा और कुछ मजाकिया भी लगा, तब की बात थी। अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया, ये तो बचपन की बात थी, लेकिन अब ये चश्मा जो है मेरे चेहरे के साथ घुल मिल गया है। चश्मा अब जब कभी मैं उतार देती हूँ तो मेरा चेहरा खाली खाली लगने लगता है। याद आ गया वह टोपा। अब लेखिका कहती हैं कि मुझे वो अब टोपा भी याद आ गया और काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, ये तीनों चीज़ें मुझे याद आ गईं। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। अब मैं शिमला में टोपी लगाना पसंद करती हूँ और मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं टोपियाँ, रंग बिरंगी टोपियाँ जमा कर ली हैं और नहीं मैंने कई रंगों की टोपियाँ जमा कर ली है, मतलब रंग बिरंगी टोपियों को जमा कर लिया है। और कहाँ दुपट्टों का उड़ना, और मुझे दुपट्टे का उड़ना पसंद है, और कहाँ सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, और मुझे जो है सहज मतलब सरल और सुभीते मतलब सबको सुंदर लगने वाले रंगों वाली हिमाचली टोपियाँ जो है मुझे पसंद है और मैं उसे इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास से पूछ लीजिए।